हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश। आप लोग एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बन जा रहे हैं हम लोग। कैसे आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ फिर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो है हम हैं फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद मसौदा। एक्चुअली फैज़ाबाद आप लोगों को पता होगा इसलिए मैं फैज़ाबाद बोल रहा हूँ। अभी तो इसका नाम है अयोध्या, अयोध्या ज़िला हो गया। तो अभी जो है हम हैं फैज़ाबाद मसौदा में और यहाँ मैं हूँ अपने दूसरे घर में, काइंड ऑफ दूसरा ही घर बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मैं हूँ अंकल जी के वहाँ, और यहाँ मैं आया था परसों शाम में। कल मैं पूरा दिन गया, साइकिल वगैरह लिया मैंने और अयोध्या घूमने गया और घूमा भी। आज वाली वीडियो आप लोगों को नहीं, कल वाली वीडियो आज अभी तक मैंने एडिट भी नहीं की है क्योंकि मैं बहुत देर तक सोता रह गया और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, रात में बहुत देर से आया। तो अभी जो है मैं मिलाता हूँ अपने अंकल जी से आके। अभी जो है हम पहुंच गए हैं भरत कुंड, और भरत कुंड की एक कहानी है। जब श्री राम जी जो है वनवास चले गए थे, भरत जी ने अपना जो भी राज्य का सारा संभाला था वो यहीं पे एक सन्यासी का जो है जीवन व्यतीत करते हुए जो है सारा राज्य यहाँ से जो है चलाते थे। और ये रास्ते में पड़ता है जब आप जो है फैज़ाबाद से और सुल्तानपुर की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है फैज़ाबाद से लगभग 12 या 13 किलोमीटर की जो दूरी है, आप जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको ये जो है दिखेगा यहाँ पे भरत कुंड लिखा हुआ। दो गेट है, एक पहले गेट था, एक अभी गेट है। और अभी हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसी लोकेशन है ये।
पॉलीथीन रहने दीजिए, ऐसी दे दीजिए, हम खा लेंगे। पॉलीथीन मत दीजिए, रहने दीजिए। अच्छा अच्छा अभी जो है मैं मसौदा से, मसौदा मीन्स जहाँ मैं रुका था वहाँ से 16 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। और रास्ते में मैं रुका था थोड़ी देर के लिए भरत कुंड में, और भरत कुंड में मैं रुका एक्चुअली वहाँ पे मैं गया और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मुझे थोड़ा सा अलग लगा, इसलिए मैं वहाँ से जो है चला आया। और मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा और जाना, तो लोगों से ये पता चला कि मतलब इसका बहुत महत्व रहा है इतिहास में। अगर कोई अपने पितरों को जो है पिंडदान देने जाता है आखिरी बार, तो यहाँ आके ही जाना होता है, यहाँ आना कंपलसरी होता है। तो लेकिन मैंने देखा कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की, यहाँ पे एक जो है कीर्तन हो रहा है वो 14 साल के लिए स्टार्ट हुआ है, सन 2018 से स्टार्ट हुआ है और सन 2032 में ख़त्म होगा। 24 घंटे चलता है और ये 14 साल के लिए चालू। बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें थी वहाँ पे, मतलब वहाँ का इतिहास बड़ा प्यारा है। बट फिर भी मैंने देखा वहाँ की कंडीशन जो है ना, मंदिर का रखरखाव या तालाब का कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से जो है वहाँ पर नहीं रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसे लोग जो है उठाएँ, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, प्रशासन तक पहुँचाएँ, ताकि वहाँ पे जो है ना, जो उसको मिलनी चाहिए, जो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो वैल्यू मिल नहीं रही है। लोग आते हैं अयोध्या, आके चले जाते हैं, बट वहाँ का इतिहास है। वहाँ पे जो है जब राम जी वनवास के लिए निकले थे तो भरत जी उनके पीछे पीछे वहाँ तक आए थे, फिर वहाँ पे उनको समझा बुझा के रोका गया था और उन्होंने राम जी की चरण पादुका जो थी वो वहाँ पे रख के और सारा राज्य पार्ट जो है वहाँ से जो है संभाला था। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ का बड़ा प्यारा इतिहास रहा है रामायण के हिसाब से। बट मैंने देखा कि उसको जो है उस तरह की, मतलब उस तरीके से जो है ट्रेल रहा हूँ और अभी सुल्तानपुर के रास्ते पे हूँ। यहाँ से बनारस है 188 किलोमीटर, तो अभी मुझे लगता है मैं 3 दिन में पहुँचूँगा। तो मैं बहुत टाइम यहाँ स्पेंड ना करते हुए निकलता हूँ यहाँ से। अब अभी जो है मैं 27 किलोमीटर की साइकिलिंग कर चुका हूँ, और 27 किलोमीटर की साइकिलिंग के बाद जो है मैं ऐसे ही जा रहा था, बट ऐसे मैंने देखा तो एक जगह देखा, मुझे लगा बड़ा खूबसूरत है, आप लोगों को दिखाना चाहिए। और एक्चुअली है बहुत खूबसूरत, मुझे स्टार्टिंग से ही कैमरा ऑन कर लेना चाहिए था, बट फिर भी आप देखिए बहुत सुंदर है। चारों तरफ एकदम मस्त हरियाली है, बीच में तालाब है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, नहा रहे हैं, किनारों पे बैठे हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, खुशनुमा सा एकदम। और मुझे लगता है यार लगभग हर तालाब को जो है ऐसे ही सजा देना चाहिए साइड साइड से, मतलब आप देखो इसको कितना खूबसूरत कर दिया इन लोगों ने, किनारे किनारे से ये पेड़ पौधे जैसे लगा रखे हैं इन लोगों ने, ये चारों तरफ लगे हुए हैं एक जैसे ही, और फिर बीच में जो है सीढ़ियां हैं, उधर भी सीढ़ी, इधर भी सीढ़ी, ये शायद, और इस साइड भी है।
चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं, फिर साइड साइड से जो है एकदम मस्त इसको सजा रखा है, और पेड़ भी लगा रखे, पौधे भी लगा रखे, और काफ़ी हरियाली है। देखिए आप, मतलब काश हम अपने आसपास की हर जगह को ऐसे सुंदर रखते, हरा भरा रखते। तो बस ये कुछ और नहीं है, सिर्फ हरियाली की वजह से इसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई है। और अभी मैं सुंदरता की बात कर ही रहा था कि सुंदरता पे जो है ना एक धब्बा लगा होता है हर जगह पे, और वो यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये प्लास्टिक बॉटल यहाँ किनारे, उधर उधर पानी के अंदर, लगभग यार ये प्लास्टिक बॉटल, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं, मजबूरी है, चलिए ठीक है यूज़ कर रहे हैं, बट कोशिश करिए कम से कम यूज़ करने के लिए, और यूज़ करने के बाद इनको प्रॉपर जो है डस्टबिन में डालिए, ताकि ये रिसाइकल हों, रीयूजेबल हों। आप ऐसे फेंक देंगे ना तो इसका कोई यूज नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें ऐसी एनवायरनमेंट को गंदा करती हैं। तो बेटर होगा बार बार रीयूज होगा तो कम बन जाएगा। चोरी चोरा से, चोरी चोरा गोरखपुर के आगे, चोरी चोरा गोरखपुर से साइकिल ले आओ था भाई, कैमरा के मुड़ो कैमरा लगवाओ गोरखपुर से लाओ के भाई, यहां काटा है काटा है, ये टूट करा बोल दो रिकॉर्ड बोल दो, कहां था इनसे दूर रहा, हां बहुत दूर जाए इस बार फिर होगा मजा, पूरा भारत भ्रमण है आंटी जी ने दिया था पराठा, हमने ले लिया चाय, और हम खा रहे हैं चाय और पराठा। पार्ले जी बिस्किट तो नहीं है चाय में डुबो खाने के लिए, लेकिन पराठा है हमारे पास। चाहिए भेज दे भैया, चाहिए आंटी जी पराठा बहुत ज़बरदस्त बना है, चाय के साथ और अच्छा लग रहा है। मैं एक दुकान पर रुका था, वर्मा जलपान गृह, ये एक्चुअली है पुरखीपुर चौराहा पूरे भार सुल्तानपुर में, और मैंने यहाँ पे चाय लिया, आंटी जी ने पराठे दिए थे, चाय पराठे खाए, फिर मैं भैया को पैसा देने गया, अब भैया ने पैसा लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने कोशिश किया और भैया ने पैसे लिए नहीं। तो एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी जो है अब हम निकलते हैं, हैवी नाश्ता हो गया समझ लो आप, नाश्ता क्या खाना ही हो गया, और भैया को थैंक यू बोल दिया मैंने, मैंने पैसे दिए बट उन्होंने लिए नहीं, तो एक्चुअली मैंने 3 कप चाय पी ली है, तो है ना यार, वैसे बहुत मस्त आदमी है, जब से मैंने उनकी स्माइल देख के रुका ही यहाँ पे, मैं से गुजर रहा था, उनकी स्माइल देखी मैंने, मैंने कहा यार मस्त स्माइल है इनकी, यहाँ रुकना तो बनता है, और बहुत अच्छा लगा मिल के। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जो है हम सुल्तानपुर से जो है समथिंग 10 या 11 किलोमीटर के समथिंग अभी दूर हैं, और मुझे लगी थी हल्की फुल्की भूख, मैंने सोचा हल्का फुल्का खा ही लूँ, भूख नहीं लगी है, वैसे मैंने 2 पराठे खाए हैं और मेरे लिए बहुत है, बट फिर भी एनर्जी लेवल मेंटेन करना है, तो मैं रुक गया हूँ। भैया दे दीजिए बस ऐसे ही, वो पॉलिथीन में मत दीजिए, भैया ख़राब नहीं है ना, कितना हुआ, 1 सेब ले लिया मैंने, मैं उसे खा लूँ, हाँ काट दीजिए, खा के फिर निकलता हूँ आगे।
अभी जो है हम सुल्तानपुर से कितनी दूर है भैया? यहाँ सुल्तानपुर जो है 8-10 किलोमीटर। अभी जो है हम बनारस वाले रोड पे जो है पहुँचने वाले हैं। लगभग 3 किलोमीटर जो है अभी डिस्टेंस बचा हुआ है 4 लेन का, और वहाँ पहुँचते हैं फिर। धन्यवाद भैया। अभी जो है हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है समथिंग 50-52 किलोमीटर का। अभी यहाँ से जो है बनारस है 148 किलोमीटर, और अभी मुझे लगता है कि मैं 10 किलोमीटर जो है आज और चलाऊंगा। शाम होने को है, जब एकदम अंधेरा हो जाएगा, मतलब अंधेरा होने लगेगा एकदम, तब मैं जो है कहीं पर रुक जाऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी 10 किलोमीटर चला सकता हूँ, समथिंग मुझे लगता है आधे घंटे का टाइम है अभी। और कितना खूबसूरत लग रहा है, एक बार देखिए आप, एकदम लाल लाल सा आसमान, मस्त लग रहा है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, देर नहीं करूँगा, वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको दिखाऊँ। अभी जो है बज रहे हैं रात के 10, और मैं हूँ एक पेट्रोल पंप पे। यहाँ मैं पहुँच गया था 6 बजे, बट अभी तक जो है ना अपना कुछ जुगाड़ हुआ नहीं था सोने का। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं पे लगाऊंगा टेंट और यहीं पे सोऊंगा, बस रात में बारिश ना हो, क्योंकि मेरा टेंट 100% वाटरप्रूफ है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल जो है मैं वीडियो एडिट करके जो है अब अपलोड करने जा रहा हूँ। ये क्लिप भी मैं डाल दूंगा, और वीडियो आपको सुबह में हो सकता है टाइम पर मिल जाए। वाह वाह, मेरे बाल, क्या बात है, मतलब वीडियो आपको हो सकता है सुबह में टाइम पर मिल जाए। और मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ ढाबे पे, खाना खाऊंगा, खाना का क्या होगा, यही टेंट लगाऊंगा, यही सोऊंगा, फ़ोन वगैरह चार्ज करूंगा, बस मस्त प्लान है यही। फिर सुबह निकलेंगे और आगे जाएंगे। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अभी जो है हम आ गए हैं खाना खाने ढाबे पे, और खाने में भैया ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ला के रख दी हैं। तो मतलब मैंने सोचा ख़त्म ही कर रहा हूँ ब्लॉग आज का, तो दिखा ही दूँ क्या खा रहा हूँ आज। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, अब खा के बताऊँगा कैसा है, अब वो मैं बताऊँगा कल, क्योंकि अब मैं खाना स्टार्ट करूँगा तो मैं ब्लॉग नहीं करूँगा। तो फिलहाल बाय, कल पक्का बता दूँगा।